स्ट्रेच नहीं करूंगी तो मसल्स कैसे बर्न होगी दी? तो ही तो एक्सरसाइज का फायदा है। मैं एक्सरसाइज की बात नहीं कर रही हूँ, ये रोज रोज अलग 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 डेट पे जाना, आई थिंक यू शुड स्लो इट डाउन अ बिट एंड सेटल डाउन विद वन गाय। तो आप बताइए, आप तो मेरे सारे दोस्तों से भी मिल चुके हैं, व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट कंपैटिबल मैन फॉर मी? ये मैं कैसे बता सकती हूँ तुम्हें? मैं आपसे सजेशन मांग रही हूँ, आपको थोड़ी ना कह रही हूँ डेट करने। वैसे भी डेटिंग शीटिंग आपकी बस की बात नहीं है। तो बताइए, हु इज द बेस्ट कंपैटिबल मैन फॉर मी? रौनक, आपको उसके बारे में क्या लगता है? मतलब जब आप उससे मिलती हो, देखती हो, आपके तो काफ़ी इंटरेक्शन भी रहे हैं उसके साथ, दोनों की काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है। सो टेल मी। अच्छा है, ही इज़ अ नाइस गाय। तुम्हारे बाकी दोस्तों से थोड़ा अलग है, जो लोग सब वन नाइट स्टैंड में हैं तुम्हारी तरह, वैसे तो नहीं है वो। ही इज़ वेरी मैच्योर, ग्राउंडेड है, काफ़ी फोकस्ड भी है अपने करियर पे। अगर तुम उसके लिए सीरियस नहीं हो तो प्लीज़ डोंट गिव हिम फॉल्स होप्स। आई थिंक यू शुड कीप हिम आउट ऑफ योर लाइफ। थोड़ा तो खेलने दो मुझे, इतने दिनों बाद एक अच्छा लड़का मिला है, इसको तो मैं छोड़ के ही छोड़ूंगी। पर तुम ऐसे क्यों कर रही हो उसके साथ? Because I like it, my love. वो क्या है ना, जब मैं लड़कों के मेल ईगो को ब्रेक करती हूँ ना, आई फील एम्पावर्ड, यू नो, आई फील एम्पावर्ड जस्ट लाइक एक्सरसाइज। वैसे भी वो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही देशाना समझता है, उसको तुम्हें सबक सिखा के ही छोड़ूंगी। पर मुझे लगा तुम्हें वो सच में पसंद है, इसलिए तुम उसके साथ हैंग आउट करती हो। प्लीज़, मुझे ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं पसंद जो मुझे मेरे फेस पे क्रिटिसाइज़ करे। ये तो अच्छी बात है राइट, कि वो तुम्हें मुंह पे क्रिटिसाइज़ करे और पीठ पीछे नहीं। You should rather take it positively. Positively तो ले रही हूँ दी, इसलिए तो मैं खुद घूम रही हूँ और उसे घुमा रही हूँ। मतलब ये सब तुम उससे सिर्फ बदला लेने के लिए कर रही हो? Just because उसने तुम्हारे रील्स पर फेवरेबल कमेंट्स नहीं किए? उफ़ो दी, डोंट वरी, मैं उसको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगी, आई प्रॉमिस।